हेलो फ्रेंड, आज मैं जा रही हूँ गर्मा गर्म लाल साग का सगौड़ा बनाने। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है ये और बहुत ही अच्छा लगता है। राइस या रोटी के साथ खाओ। तो मैं इसका बनाने का तरीका आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है, बहुत लोग बनाते होंगे घर में, लेकिन आज मैं अपने स्टाइल में ये लाल साग का सगौड़ा बना के आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बनाना स्टार्ट करते हैं बिना लहसुन और बिना प्याज के ये लाल साग का सगौड़ा। आप देख सकते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए कितना हेल्दी होता है और बहुत ही इसमें बहुत ही मतलब फ़ायदे छिपे हुए हैं जो हमारे हेल्थ को बहुत ही फिट रखता है। तो आज हम इसका सगौड़ा बनाएंगे जो कि बहुत ही इजली और बहुत ही जल्दी बन जाएगा बिना प्याज लहसुन के। आप चाहो जो प्याज लहसुन खाते हो वो प्याज लहसुन डाल सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट देके और प्याज का तड़का देके, लेकिन मैं यहाँ अदरक लहसुन को छोड़ के बना रही हूँ ताकि जो प्याज लहसुन नहीं खाते वो भी खा सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये लाल साग को अच्छे से धुल के कट कर लिया था और इसमें मैं अब डालूँगी एक कटोरी भर के, मैंने अंदाज के 2 पंच मेरा लाल साग था तो मैं ये कटोरी भर के ले रही हूँ बेसन। तो इसे हम बेसन को इसमें ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे जीरा। हल्का सा सॉल्ट दे रही हूँ और कोशिश करूँगी कि जिस साग को मैंने वॉश किया था इसलिए ऑलरेडी ये गीला है, तो मैं इसी में ही इसको अच्छे से बेसन को मैच करूँगी। मुझे पानी की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, अगर थोड़ा सा सूखा लगेगा तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। इस तरीके से आप हाथों से इसको अच्छे तरीके से बेसन को साग में मिला लेना है। साग को देखिए मैंने अच्छे से बेसन में लपेट लिया है, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये देखिए तलने के लिए तैयार हो गया है। अब हम इसका क्या करेंगे, एक बढ़िया वड़ा टाइप में इसको जैसे पकौड़ी बनाते हैं उस तरीके से इसको हम छान लेंगे तेल में। और सगौड़ा जो है हमारा जैसे चटपटा हम बनाएंगे, थोड़ा सा इसमें खट्टा फ्लेवर रहेगा जिससे बहुत अच्छा लगेगा हमारे सगौड़े का टेस्ट। तो इसको खट्टा फ्लेवर लाने के लिए मैंने ये 1/2 कटोरी दही ले ली है और ये ले लिया है 2 साइज़ के बड़े साइज़ के टमाटर, इसको कट कर लिया है। इसका हम पेस्ट बनाएंगे, इसका हम पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। ये जार में हम टमाटर को डाल के इसी के साथ ये 2 हरी मिर्च साथ में ही हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए पेस्ट हमारा टमाटर का तैयार है। अब बारी है साग के पकोड़े बनाने की। ये मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है और पैन में ऑयल डाल दिया है, गैस को कर लेंगे ऑन और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो रहा है, तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम पकोड़े को तलेंगे। तेल जो है गर्म हो गया है तो अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे, इसके इस तरीके से छोटे छोटे बॉल बना देंगे हाथों से और आराम से तेल में इसे हमें डाल देना है। और हम हल्के हाथों से इसको पलट देंगे। सारे पकौड़ों को मैंने पलट दिया है, एकदम बढ़िया सुनहरे कलर में फ्राई हो जाएंगे क्रिस्पी, तो हम इन्हें निकाल देंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा, हाई फ्लेम पे आप करेंगे तो ये जल सकता है, इसलिए आप लो फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई करिए। ये एकदम बढ़िया से क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं, आपको ऐसे तेल में नहीं पता चल रहा है इसलिए, क्योंकि ये रेड कलर में है लाल साग है तो इस वजह से इसका कलर जो एक्चुअल होता है गोल्डन वाला वो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए एकदम
क्रिस्पी हो गए हैं, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं आपको आवाज़ इसको करके दिखा सकती हूँ कितने क्रिस्पी ये बने हैं। इसी तरीके से हम जो बाकी हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। इसे भी ऐसे फ्राई कर लेंगे। मैं यकीनन आपसे कह रही हूँ, आप ये लाल साग बहुत लोग होते हैं नहीं पसंद करते, खासकर बच्चे तो बिल्कुल नहीं पसंद करते, तो वो अवॉइड करते इसको खाना। तो आप इस तरीके से बना के बच्चों को खिलाएंगे, उन्हें बहुत पसंद आएगा। और खाना तो मेरा मानना है ऐसा होना चाहिए, बहुत मसालों में भी होता है और कम मसालों में होता है, लेकिन बस खाने में टेस्ट होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। तो टेस्ट इज द बेस्ट। तो अभी इसको अच्छे से हम फ्राई करके इसे भी निकाल लेंगे। ये भी फ्राई हो गए हैं, इसे भी हम निकाल लेंगे। ये हमारे सारे सगोड़े तैयार हो गए हैं। अब बारी है इनकी ग्रेवी बनाने की। ग्रेवी बनाने के लिए ये तेल वाला पैन मैं हटा दूंगी और मैं ये कढ़ाई में जा रही हूँ बनाने अपना सगोड़ा। सगोड़ा बनाने के लिए गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे ताकि कढ़ाई हमारी गर्म हो जाए, उसके बाद हम लो कर देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, मैं इसमें डालूंगी थोड़ा मस्टर्ड ऑयल। और ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, इसी के साथ मैं दूंगी थोड़ा सा इसमें ऊपर से जीरा। थोड़ा सा ये दो तेज पत्ता, ये ऑप्शनल है, पूरी तरीके से आप डाल दोगे तो टेस्ट अच्छा आएगा, नहीं भी डालना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे टेस्ट सेम ही रहेगा। और ये जीरा तेज पत्ता इसमें चला गया है। इसी के साथ हम दे देंगे इसमें कुछ सूखे मसाले। गैस का फ्लेम एकदम लो रखिएगा, बिल्कुल भी हाई नहीं होना चाहिए, नहीं जो मसाले हमारे जल सकते हैं। ये मैंने इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है। एक चम्मच जीरा पाउडर, चम्मच से थोड़ा कम इसमें मैंने दे दिया है रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा ये दे रही हूँ गरम मसाला। हाफ चम्मच तक मैं इसमें दे रही हूँ टर्मरिक पाउडर। सारे मसाले हमारे चले गए हैं इसके अंदर, ये जल ना पाए। इसी के साथ बिना देरी किए हुए ये जो मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, इसको हम इन मसालों में ऐड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बढ़िया कलर आया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जिस तरीके से मैंने मसालों को पहले डाला, फिर टमाटर, ये बहुत बढ़िया, एक अच्छा हमारा ग्रेवी मसाले का तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे ऑफ। थोड़ा ठंडा हो गया है मसाला, तो इसी के साथ मैं इसमें ये दही ऐड कर दूंगी।
मसालों में फेंक देंगे। ये हमारा दही भी इसमें मिक्स हो गया है। अभी हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। ये देखिए मसाला एकदम बढ़िया तेल कैसे छोड़ दिया है ऊपर। इसे हम एकदम 1 सेकंड के लिए ढक के छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। 1 सेकंड हो गया है, हम मसाले देख सकते हैं कितने अच्छे से बॉयल हो रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और ये हमारे सगोड़े में एक अच्छा बढ़िया मिठास देगा। एकदम चटपटा होता है, खट्टा मीठा तीखा चटपटा वो सब फ्लेवर देगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। इसी के साथ हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट दे देंगे इसमें। और ये हमारे सगोड़े की बहुत बढ़िया ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ग्रेवी की। और हम कर देंगे गैस को ऑफ, थोड़ा सा इसे हाई फ्लेम करके ताकि चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। चीनी पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते, आप तीखा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अभी हम गैस को करते हैं ऑफ क्योंकि ये जो ग्रेवी है पक चुकी है एकदम अच्छे से। और इसमें हम सगोड़ों को ऐड कर देंगे। हमारा सगौड़ा बनके रेडी हो गया है। इसे हम इस तरीके से ग्रेवी में डुबा देंगे और मुश्किल से 1-1.5 सेकंड के लिए फिर से हम इसे ढक रहे हैं और फिर इसे हम सर्व करेंगे। फाइनली 1.5-2 सेकंड के बाद मैं इसे जा रही हूँ सर्व करने क्योंकि सारी ग्रेवी एकदम सगौड़े में ऑब्जर्व कर लिया है। और इसे हम देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आया है। हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। इसे आप निकाल के फेंक सकते हैं। ये हमारा सगौड़ा बन के रेडी हो गया है गर्मा गर्म एकदम टेबल पे जाने के लिए। और अभी थोड़ी देर में सब इस पर टूट पड़ेंगे। मेरे घर में एक्चुअली सबको बहुत पसंद है ये लाल साग का सगौड़ा। और मैं यकीनन आपसे कह रही हूँ, आप कोई अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहती, लेकिन आप इसे एक बार घर में ट्राई करिए तो आप तारीफ किए बिना रहेंगे नहीं और आपकी तारीफ ज़रूर होगी। तो प्लीज़ आप इस तरीके से ये लाल साग का सगौड़ा बनाइए, बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप इसे चपाती के साथ या राइस के साथ खाएंगे, बहुत ही इन्जॉय करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि मैंने कैसे बनाया है ये सगौड़ा। तो इसी नई नई रेसिपीज़ के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।